अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ये सुबह सुबह का आगाज़ है और मोहम्मद अली बैठा हुआ था, तो वैसे मैंने कहा चले इससे आज सुबह का आगाज़ करते हैं। तो चले अब मैं इसको कह रही हूँ बैद के स्कूल में टिफ़िन दे आए। बैद का मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है, जिसमें मैंने एक एग बॉयल करके रखा है और साथ में एप्पल काट लिया है। हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए, तो फटाफट से मैंने बैद को अब ये ब्रेकफास्ट भेज रही हूँ। और कह रहा था मैंने नहीं जाना, तो मैंने कहा फिर मैंने देखा हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, तो मैंने कहा चले आप जाते हुए दे जाएँ। तो कहते हैं चलो ठीक है मैं दे जाता हूँ। तो हैर से अब वो चले गए हैं जी, हैर से जाएँ और हैर से आएँ और अब किचन में चलते हैं। तो आज मैंने सोचा जी आज मैं पालक और गोश्त बनाऊँ। यहाँ पे मटन देखे जी डाल दिया मैंने, 2 गिलास पानी डाले हैं, लहसुन अदरक और प्याज और नमक मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया, बस ये सब कुछ डाल के तो मैंने मटन को जी विसल लगा दिए 10 मिनट की। और जब तक इसे विसल लगाते हैं तब तक हम पालक काट लेते हैं। अब मैंने कहा सोचा टाइलों पे किचन में क्या खड़े होकर आज काटनी है, तो आज मैं भाई सेन में बैठ गई हूँ, मैट भी छा लिया मैंने अपने नीचे के, ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो मैंने कहा फिर पट्ठे वगैरह ना खींचे जाएँ मेरी, ना फिर पट्ठों का खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी पालक को मैं सिंपल ऐसे काट रही हूँ, इसमें से जो भी गंदे वगैरह पत्ते हैं वो निकाल के, तो अब इसे सारी पालक को यहाँ पे बैठ के काटते हैं। इसके साथ बताती चलूँ चैनल पे नहीं है तो चैनल को जल्दी से कर दें जी सब्सक्राइब, यहाँ पे आपको बहुत बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, इससे नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ये आपका हमारे लिए प्यार होता है, हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और वीडियो को फुल वॉच भी किया करें। अब यहाँ पे पालक काट ली, अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैंने बस थोड़ी सी मैंने कहा आपको पालक धो के मैं दिखा देती हूँ। इसे 2-3 पानी आपने धोना है पालक को, ताकि इसमें कोई भी डस्ट, वो कहते हैं ना किरकी सी, कुछ भी ऐसा कुछ भी मुँह में ना आए, क्योंकि फिर सारी मेहनत जो होती है ना बेकार हो जाती है। ये देखिए मैंने इसको धोया, पानी देखे इसका कैसा गंदा हो गया था। अब ये दूसरी दफ़ा मैं इसे वॉश कर रही हूँ। अब उस बाउल में पानी गिरा के दोबारा नया पानी भर लेती हूँ, थोड़े बहुत जो पत्ते रह गए हुए हैं पालक के वो भी निकाल लेते हैं। और ये देखिए जी मैंने दोबारा बाउल में पानी नया भर लिया है। अब यहाँ से फिर उसे तीसरी जब जगह पे डालेंगे, अब यहाँ पे ऐसे धोएंगे। तो सारी पालक मैं धो चुकी हूँ, बस ये मैंने इतनी सी मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने पालक को कैसे वॉश किया है। तो मैंने तो बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं परात वगैरह, उनमें मैं पालक को अच्छी तरह से खुले पानी में वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पालक वॉश हो गई है। तो अभी मैंने यहाँ पर बॉयल करने के लिए रखी थी थोड़ी सी, जब तक कि मैं बाकी वॉश कर रही थी। अब जो मैंने बाकी वॉश किया है वो भी मैं सारी इसमें पालक डाल दूँगी कढ़ाही में इसको बॉईल करने के लिए। तो डाल के तो फिर इसे हम अच्छी तरह से कर लेंगे जी बॉईल, तो बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनेगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे अब मुझे पता चला कि ज़्यादा है कि सच हरी मिर्चें भी बाहर हैं, तो मैंने कहा हरी मिर्चें भी साथ में काट के 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं जी। डाल के अब इसको हम कवर करके रख देंगे जी बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी मटन को मैंने जो विसल लगाई थी माशाल्लाह से, वो मटन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, उसकी 10 मिनट की पूरी विसल लगाई थी। अब जो भी लहसुन टमाटर वो हैं सॉरी लहसुन और प्याज वगैरह, उनको स्पून की मदद से हम मैश कर लेंगे। ऑयल भी अंदर डाल दिया मैंने और खड़ा मसाला भी डाल देंगे। डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जी। ये देखिए मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, पालक भी माशाल्लाह से बॉयल हो रही है। तो 5-7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जी कि मटन की क्या कंडीशन है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से मटन भुन चुका है। तो पता नहीं ये कैमरे की सेटिंग ही नहीं मुझसे होती, समझ ही नहीं आती कि बस इसको क्या हो रहा है, कैमरे को कैसे सेटिंग करनी है। कभी करती हूँ वीडियो किस तरह से हो जाती है, कभी किस तरह से हो जाती है। और ये देखिए ऑयल निकल आया माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी तरह से ये भुन चुका है। तो अब इसे भून के तो हम साइड पे रख देंगे, बाकी प्रोसीजर पालक है। तो सुबह सुबह ही मैंने वैसे अमूमन पालक एक आधा दिन पहले ही बना के रख लेती होती हूँ, आज मैंने अभी ही पालक मंगवाई थी सुबह ही, और सुबह ही समझ ले मैंने सारा काम फटाफट से ही किया। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पालक डन हो गई थी और बड़ी मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पर देखिए जी पालक जो है वो बॉयल हो रही है, तो आप इसे ऊपर नीचे इसका चम्मच आपने करके इसे हिलाते रहना है, क्योंकि फिर नीचे वाली हो जाएगी ऊपर वाली नहीं होगी। तो आपने चम्मच हिलाते रहना, और बॉयल करते वक्त आपने इसमें 2 लेमन का जूस जरूर डालने हैं, इससे पालक का कलर ग्रीन ही रहता है। तो ये देखिए जी यहाँ पे माशाल्लाह से पालक बॉयल हो चुकी है। तो अब इसे थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मैंने इसमें रहने दिया है क्योंकि मैंने इसे जूसर में ब्लेंड करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी होगा तो जूसर में आराम से ये ब्लेंड हो जाएगी। तो ये देखिए जी अब यहाँ पे थोड़ी सी ये ठंडी हो चुकी है, तो बिल्कुल ठंडी नहीं मैंने की थी, थोड़ी सी ठंडी लेकिन कर ली थी, जैसे तो फिर मशीनरी के ख़राब होने का ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये देखिए जी यहाँ पे अब मैंने इसमें पालक भी डाल दिया है, और जो पालक का ही पानी है वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया। और ये देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए जी माशाल्लाह से पालक जो है वो बिल्कुल ही ब्लेंड हो चुकी है। तो अब यहाँ पे प्रेशर कुकर मैंने पास ही रख लिया है कि पालक को मैं साथ साथ ब्लेंड करती जाती हूँ और प्रेशर कुकर में भी डालती जाती हूँ, जिसमें हमने मटन भुना हुआ है उसी मसाले में मैं ये पालक को डाल रही हूँ। और इसी पालक में मैंने दूध भी डाल दिया था जी 1 गिलास,
तो ये देखें जी, एक ग्लास मैंने दूध भी इसमें ऐड किया है। तो अब दूध डाल के तो उसको भी इसे अंदर डाल दिया जी। अब मसाले में ये देखें जी, माशाल्लाह से पालक अभी से रखते हैं चूल्हे पे। ऑयल मैंने अब ये पालक में और डाल दिया, वो तो बस मटन में थोड़ा सा डाला था भूनते वक्त। अच्छी तरह से इसे भूनना है, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। और फिर अब इसमें मैंने एक प्याली दही की भी ऐड कर दी है, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है दही और दूध डालने से। पालक का सॉफ्ट भी रहती है। और बच्चे बाहर आ गए हुए हैं और आपस में पता नहीं क्या लड़ झगड़ रहे थे, तो मैंने इनको भी देखा साथ साथ। अब वापस किचन में आ गई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से इसे भूनते हुए 10 से 15 मिनट अभी हुए हैं। आप देख लें इसके ऑयल कितना प्यारा निकल आया हुआ है। तो यहाँ पे अली कह रहा है खुशबू बड़ी प्यारी है आ रही है मामा, तो जल्दी जल्दी से मुझे रोटी या पराठा बना दो पालक के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें जी पालक डन हो चुकी है। और देखें इसका कलर कितना प्यारा खूबसूरत आया, ऑयल भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, बड़ी ही ईजी और क्विक जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो फटाफट से बन जाती है। तो आपने ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और मज़े की भी बहुत बनी हुई थी। और साथ में आज आपको बताऊंगी, आज मैंने दही जमाई थी, तो दही जमाने के लिए देखिए जी दूध को मैंने कर लिया था जी हल्का सा बॉयल। ये देखिए इतना गर्म होना चाहिए कि आपने फिंगर अंदर डाली है तो वो फिंगर जले ना, ठीक है। तो अब इसके दोनों तीनों तरफ मैंने थोड़ा थोड़ा सा हाफ हाफ टी स्पून के बराबर ना दही देखे जी बस डाल दी है। और डाल के तो इसे रात के टाइम आपने रख देना है जी फ्रिज में। अगर सुबह बना रहे हैं तो सुबह रख देना है, तो फ्रिज में कह रही हूँ सॉरी, किसी ऐसी जगह पे जहाँ इसे देखे जी हवा ना लगे, मतलब कि ये गर्म गर्म रहे। तो मैंने इसे ओवन के अंदर रख दिया सुबह, और देखे जी शाम हो गई है तो मैंने ये अब निकाली है। तो आपको दिखाती हूँ जी माशाल्लाह से पालक की कंडीशन, ये देखें जी, और पालक कह रही हूँ दही की कंडीशन देखें ज़रा। तो ये देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी जम चुकी है। तो आप भी ऐसे ही दही को गर्मी जमा लिया करें, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी हाथों से जो काम हो जाता है तो वो तो बहुत अच्छा रहता है। मुझे बहुत शौक है अपने हाथों से सब चीज़ें बनाने का, तो आपने ऐसे ही किया करें। ये देखें जी किसी भी प्याली में किसी भी चीज़ में ये जम जाती है। ये सिंपल मेरे पास स्टील का एक बाउल था, मैंने उसमें ये जमा ली है। तो ये नहीं ज़रूरी कि मट्टी का ही बर्तन हो, कोई माशाल्लाह से जम जाती है, ठीक है। तो अब ये अगले दिन का व्लॉग है जी। तो आज हम जा रहे हैं जी कुछ शॉपिंग करने के लिए। घर का सामान सब ख़त्म हो चुका है, नमक मिर्च जो होता है ना, हल्दी वगैरह मसाले वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर प्रोग्राम बनाया कि जी चलते हैं पंजाबी स्टोर है जहाँ से हम जी सारा सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे चलते हैं और सामान खरीदते हैं। और कुछ सरप्राइज़ है, अम्मी ने कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो सरप्राइज़ थोड़े दिन बाद आपको बताऊँगी। बस उसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं आज से, और कोई फंक्शन भी आ रहा है घर में तो उसकी भी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये देखिए जी, ये जो मियाँ अस्पताल है ना, वहाँ का जी ये लंडा बाज़ार है, ये रास्ते में वो भी आता है। तो मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखाती चलूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी जैकेट सब पर लगे हुए हैं, और साथ में ना वो भी लगे हुए हैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी। ये यहाँ पर अब आ गए हम जी पंजाबी स्टोर। तो यहाँ पे जो भी आर्डर वगैरह होता है ना, पर्ची वगैरह, वो हम अपना लिखवा देंगे सामान के भी हमें ये सामान चाहिए। वो आपको एक टोकन दे देते हैं, वो टोकन हमारे पास रहता है। तो हम वो टोकन लेके तो फिर हम थोड़ी देर के लिए चले गए थे, लेकिन यहाँ पे जितनी देर में हस्बैंड गए थे तो वो देखें आपको पुलिस की गाड़ी नज़र आ रही होगी। पुलिस ने आके कहा जी आपने यहाँ पे गलत गाड़ी खड़ी की हुई है, तो हमारी गाड़ी का चलान हो गया, मुफ्त में हमें 2000 रुपये भरना पड़ा। बस 5 मिनट के लिए हस्बैंड गए थे कि बस मैं पकड़ा के तो आ रहा हूँ, उतनी देर में उन्होंने नहीं सुनी। पापा ने कहा भी कि नहीं भाई आ रहे हैं हम, गाड़ी जा रही है, तो बस नहीं जी उन्होंने कहा नहीं आपने गलत पार्क की हुई है। तो यहाँ पे कुछ सामान आपको बताया, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं जो कि सरप्राइज़ है, तो ये सरप्राइज़ थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा कि ये सरप्राइज़ क्या है। तो उसकी शॉपिंग हो गई है, फिर उसके बाद हमने पंजाबी स्टोर से भी सामान ले लिया था, लेके तो बस फिर हम घर की तरफ रवा दवा थे। यहाँ पे अम्मी दिखा रही देखो कितनी महंगाई हो गई है, सामान इतना महंगा हो गया, हर चीज़ का डबल रेट हो गया है। तो बस आसमानों से बातें कर रही हैं, कीमतें तो बस अल्लाह ही है। आजकल का तो दौर यही आ गया जी कि जितने घर में मेरे ख्याल से कमाने वाले हो ना, जितने खाने वाले उतने कमाने वाले हो, तो बस वो कहते हैं क्या कहते हैं ना, पूरी पड़ती है। तो बहुत ही यहाँ पे जहाँ पे हम शॉपिंग करने गए हुए थे, तो यहाँ पे जी मैंने कहा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट की भी शॉप थी जहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की थी, तो मैंने कहा चले आपको ज़रा वहाँ का भी विज़िट करा देती हूँ। बस इतना ही आज के लिए मैंने व्लॉग बनाया था। तो जल्दी से आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखना है। और बस ये थोड़ी सी आगे वीडियो है, आप इसे देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।